फिर से आपका स्वागत है टेक गुरु चैनल पे और मैं हूँ आपका टेक गुरु। नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय अकाल। आज का हमारा टॉपिक है वीज़ा और जॉब। बहुत सारे बंदे मुझको पूछ रहे हैं कि सर वीज़ा चाहिए, वीज़ा चाहिए, वीज़ा चाहिए। तो पहले तो ये बात दिमाग से निकाल दो, ये पूरी पूरी डिफरेंट अलग अलग बातें हैं। वीज़ा अलग होता है और जॉब अलग होता है, ठीक है। वीज़ा होते हैं दो टाइप के, एक होता है घूमने का वीज़ा, उसको बोलते हैं टूरिस्ट, और विजिटिंग वीज़ा बोलते हैं उसको। और दूसरा होता है रेसिडेंस एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, मतलब वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो बहुत सारे बंदे मुझको मैसेज भेजते हैं, कमेंट डालते हैं कि सर वीज़ा चाहिए, वीज़ा चाहिए। तो पहले तो थोड़ा सा इस बातों की मतलब जानकारी ले लो आप कि वीज़ा कौन सा होता है, क्या होता है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा खुद नहीं लगा सकते हो, वो कंपनी लगाती है, ठीक है। तो पहला तो ये डाउट आपका क्लियर कर लीजिए, आप पहले जॉब ढूंढ लीजिए। यहाँ पे जॉब ढूंढने के बाद आपको वीज़ा कंपनी दे देगी, सही है। मतलब ये थोड़ा पार्ट ऐसा हो रहा है कि अनएजुकेटेड तरह, मतलब आपको कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है, मगर आप तो जा रहे हो। ऐसा मत कीजिए, थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, मैं भी हूँ बताने के लिए। तो आपको जो वीज़ा नहीं ढूंढना है यहाँ पे दुबई में, आपको ढूंढना है जॉब। जॉब ढूंढने से क्या होगा, जॉब भी मिल जाएगी, पैसा सैलरी भी मिल जाएगी और वीज़ा कंपनी देती है। तो आप वीज़ा क्यों ढूंढ रहे हो? वीज़ा लेके क्या करना है आपको? मैं देता हूँ वीज़ा आपको, क्या करोगे लेके? प्रिंट निकाल के बैठ जाओगे? सही है, मतलब ये बातों की जानकारी थोड़ी ले लो, थोड़ा एजुकेटेड हो इस बात में कि क्या क्या होता है। जैसे अभी मोबाइल में सब लोग एजुकेटेड है, इंग्लिश होता है तभी भी अनएजुकेटेड पीपल उसको अच्छे से अंदर जाके बाहर आते हैं, फॉर्मेट करना भी जानते हैं अभी तो लोग, सही है। तो इस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लो। पहला होता है वीज़ा, में बताता हूँ। वीज़ा में दो टाइप होते हैं, एक घूमने का होता है, एक काम करने का होता है। काम करने का वीज़ा कंपनी देती है, आप नहीं खुद लगा सकते हो। और जो घूमने का वीज़ा होता है, घूमने का वीज़ा होता है वो खुद लगा सकते हो, मगर वो होता है 1 महीने का और 3 महीने का सिर्फ। तो 1 महीने और 3 महीने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जॉब ढूंढना है, जॉब ढूंढने पर आपको कंपनी वीज़ा देगी, ठीक है। तो ट्राई करना जॉब ढूंढना, वीज़ा कोई नहीं देगा। अगर आपको कोई एजेंट बोल रहा है कि सर मैं आपको वीज़ा देता हूँ, तो गलत कह रहा है, वो पैसे निकालेगा आपसे। पहले से वीडियो से मैं बता रहा हूँ कि एजेंट के पास मत जाओ, पैसा मत दो किसे, ठीक है। मेरे तरफ से जितना गाइड कर सकता हूँ कर रहा हूँ आपको। मुझको ये लगता है कि आप एजेंट के पास मत जाओ, पैसा आपका वेस्ट जाएगा। उस मतलब आप मंदिर में मस्जिद में भी इतने बार नहीं जाओगे, वहाँ पे आपको उतने बार उस एजेंट के पास जाना पड़ेगा, क्या हो गया, क्या हो गया काम के बाद, सही है। मतलब आपका टाइम वेस्ट जाएगा, सबसे ज़्यादा आपका पैसा जाएगा, ठीक है। तो मेरी टिप्स फॉलो करो, वीडियो पूरा देखा करो, ओके। लाइव अगर अच्छा लगे तो कर लेना, शेयर भी करिए, आपके वजह से किसी और को भी फायदा हो जाएगा। और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए दोस्तों, ठीक है। अभी कल परसों मैं दूसरी एक वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें होगा कि दुबई में कौन से सिम कार्ड्स होते हैं, दुबई में आने के बाद, काम पर आने के बाद एक मेडिकल टेस्ट होती है यहाँ पे, तो उसमें क्या क्या होता है उसकी जानकारी मैं उसमें डाल दूंगा। और तीसरी बात कि यहाँ पे पैसे कैसे चेंज करने हैं, कहाँ पे करने हैं, और यहाँ से आपकी सैलरी इंडिया भेजनी है तो कैसे भेजनी है, ये बातें मैं अगले वीडियो में कवर कर दूँगा दोस्तों, ठीक है। चलो, यही पूछना था मुझे, थोड़े से कमेंट आ गए थे कि वीज़ा चाहिए, वीज़ा चाहिए, काम का वीज़ा चाहिए, जॉब का वीज़ा चाहिए। तो ये दिमाग से निकाल दो कि काम का वीज़ा मैं नहीं, कोई नहीं दे सकता है, वो सिर्फ कंपनी दे सकती है। तो आपको वीज़ा नहीं ढूंढना है, आपको काम ढूंढना है। काम ढूंढोगे तो आपको पैसा भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी और वीज़ा भी मिलेगा, ठीक है। रिपीट रिपीट क्वेश्चन मत पूछिए, मेरे पूरे वीडियो आप देख लीजिए, आपको गाइडेंस मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो बाय बाय। ऑफिस में था, कमेंट देके अभी अभी बैठे बैठे यहाँ पे एक वीडियो बना दिया आपके लिए। चलो, बाद में वो दूसरा वाला वीडियो बना के डाल दूंगा दोस्तों। ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा स्टाफ है, साथ में होता है, देख सकते हैं आप मेरा ऑफिस। चलो बाय बाय।